सुबह का मस्त गुड वाइब्स आ रही है, धुआं उड़ता है तब भी अच्छा लगता है मालूम। पीपल का पेड़ है यहाँ पे और सुबह सुबह भीड़ कम है। अभी तो मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और कुछ कलर भी देख सकते हो, पूरे पत्थर से कांच के बनाया गया है इसको। कुछ ऐसा तालाब है छोटा सा और यहाँ बोटिंग भी होता है। आगे पहाड़ हैं छोटे छोटे और वहाँ पे शिव जी स्थापित हैं। जस्टिस करा पा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से बुरमदेव मंदिर का एंट्री होता है गेट। चलिए फ्रेश तो हो गए यहाँ पे, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया। और कुछ ऐसे है यहाँ का सीन। आगे एक ठोक मंदिर है जिसको दिखाने वाला हूँ आपको और भीड़ चालू हो गया सुबह से, देख सकते हो जूते चप्पल से ही पता चल रहे होंगे कि कितने भीड़ है। यहाँ तो फोटोग्राफी मना है। तो कुछ ऐसे है अंदर, तो वीडियो बनाना मना है। साइड से आपको दिखाता हूँ। भोरमदेव मंदिर बहुत पुराना प्राचीन काल से बना हुआ है। बस इतना ही मंदिर है यहाँ का, श्री काल भैरव बाबा मंदिर। और ये है अंदर, तो जाना मना है मतलब कैमरा लेके, तो मैं दर्शन करके आपको बाहर मिलता हूँ। तो कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने का अगर हो पाए तो। कुछ ऐसा है कारीगरी देख सकते हो, पूरा पत्थर से हुआ है ये। तो आप देखे होगे मैं अंदर जाते ही वो कैमरा देखे तो वो मना कर दी, तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। तो यहाँ पे हवे चल रहे हैं और ये दूसरा गेट है एग्जिट का, यहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं। छोटा सा गांव है कस्बा टाइप जो कि अच्छा है, प्यारा है। और इधर कुछ बनी हुई है, दिखाते हैं पत्थर से। तो कुछ ऐसे प्रतीत करते हुए इन लोग कुछ कर रहे हैं। कमेंट में बताना आप क्या कर रहे हैं। शिव का पूजा कर रहे थे शायद। और यहाँ भी कुछ है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। नमस्ते। तो यहाँ भी कुछ ऐसे शिव जी है ना, ये डमरू बजाते हुए गणेश है महोदय। क्यों कर रही है सब? फिर मैं सोची अब इधर को लेके गई मैं 4:30, तो अब हम लोग वहीं पे बैठ। तो ऊपर पत्थर से बने हुए हैं यहाँ।
थी खाने में। ये क्या है मेरे समझ नहीं आ रहा है, शायद ये हाथी है या बैल है। उखड़ गया है, खंडित, ये सब खंडित क्या बोल सकते हैं उन लोग, होता था ना। हाँ, तो फिर जो डिस्ट्रॉय होती थी सारी चीज़, वो चीज ये इन लोग रखे हैं। हाँ, हिस्ट्री से एक और मंदिर है जहाँ ऐसी है, एक रानी थी उसका मतलब 99 है अलग अलग मूर्तियाँ। यहाँ पे बजरंग बली का भी मंदिर है, साइड में ही बना है, और कुछ ऐसा छोटा सा मंदिर है। मैं तो बहुत सोच रहा था कि बड़ा सा होगा और बहुत सारा कारीगरी होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे नंदी महाराज जी हैं और यही देखने आते हैं सब लोग। और चिल्फी घाटी जाएंगे अभी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। घाटी है पूरा वो आके ऐसे, तो हम लोग अभी जाएंगे जस्ट यहाँ दर्शन करके। आपको बता दूँ कि आज अगर आप यहाँ आके सुबह से आके आप फ्रेश फ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ का बाथरूम अनयूज़ के लायक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो आप ना हो सके तो ना कवर्धन से ही फ्रेश फ्रेश होके यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। तो इधर बढ़िया है यार, गार्डनिंग एरिया है। मैं तो इधर नहीं सोच रहा था कि ये भूरमदेव एरिया होगा। बोटिंग तो बंद है अभी शायद, तो कर दी इसमें पानी चलते रहता तो ज्यादा अच्छा होता, और बोट में अंदर जाना मना है। कभी कभी वीडियो बनाते बनाते अच्छा लगता है। मेरे को क्या कंटिन्यू करो इसमें।